नमस्कार, स्टेज न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट जिले के बैहर तहसील अंतर्गत ग्राम बौदा में आदिवासी बालक छात्रावास के अधीक्षक महेंद्र कुमार कठाने रहवासी बच्चों के राशन में हीर फेर कर किराना दुकान में बेचे जाने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि अधीक्षक कठाने द्वारा बच्चों के राशन को इसी तरह किराना दुकान में बेचते आ रहे हैं, जिसकी शिकायत होते ही तहसीलदार बैहर के द्वारा मौके पर कार्रवाई की गई, जिसमें पाया गया कि 2 क्विंटल गेहूं और 38 किलो चावल प्राप्त किए गए हैं, जिसका ग्रामीणों के समक्ष पंचनामा तैयार कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रशासन को सौंप दिया गया है। 1 क्विंटल 38 किलो चावल और 5 क्विंटल 52 किलो गेहूं ये मंथली इनको मिला था 31 जुलाई को। इनके स्टॉक में पाया गया है कि 1 क्विंटल चावल और 3 क्विंटल गेहूं, जिसमें 38 किलो चावल कम और 252 किलो गेहूं कम पाया गया। छात्रावास अधीक्षक के द्वारा बताया गया है कि 100 केजी तो उधर रखा हुआ है स्टॉक में खाना बनाने के लिए, इसमें 152 किलो गेहूं है जो वो एक्सचेंज कराने के लिए चावल लेने के लिए। एक्चुअली उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ चावल बच्चे ज़्यादा खाते हैं, इस कारण से गेहूं से चावल एक्सचेंज करने के लिए दुकानदार को दिया गया। जांच में क्या प्रतीत पाया जा रहा है सर? जांच में तो अभी फिलहाल इनके द्वारा कोई कंप्लीट जानकारी दी नहीं गई है, मतलब कि जिससे संतुष्ट हूँ। ऐसा बताया गया है कि दिया है वो देंगे। दुकानदार को भी अलग ही बुला के पूछा गया तो उसके द्वारा भी बताया गया कि हाँ दिया गया है। दोषी पाए जाने पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी सर? बिल्कुल, जो भी नियम के तहत होगा कार्रवाई की जाएगी। सर, जो स्टॉक में पाया गया है ये पुराना स्टॉक भी हो सकता है सर? पुराना स्टॉक हो सकता है, इनके पास पंजी नहीं है, हालांकि वर्तमान के हिसाब से बता रहे हैं कि यही है। बालाघाट से ब्यूरो रिपोर्ट।